होए वाजीवा दोस्तों, एक ड्रॉ आया है जी। ड्रॉ आया है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा आईईसी। हमने भाई लास्ट वीक भी वीकेंड पे वीडियो बनाई थी, क्योंकि लास्ट वीक भी भाई इसका ड्रॉ आया था, जब भाई 2669 इनविटेशन उन्होंने भेजे थे, वर्क परमिट इनविटेशन भेजे थे अंडर अंडर जो हमारा था भाई वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी। क्योंकि भाई इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, आईसी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा में के अंदर भाई तीन कैटेगरीज है, वर्किंग हॉलीडे वीजा, ठीक है जी, एक कैटेगरी वो होगी, फिर दूसरी भाई यंग प्रोफेशनल, और तीसरी है भाई इंटर्नशिप एंड कोऑप वाली, ठीक है जी। तो इसमें भाई देखो जी, लास्ट अगर मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ, 2669 इन्विटेशन भेजे गए थे जी भाई, इस बार 4603 वर्क परमिट इनविटेशन भाई भेजे गए हैं, ठीक है जी। तो भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जिनका भाई नंबर इसमें आ गया होगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा भाई आगे हम कर लेते हैं, 4152, क्योंकि मैंने बताया भाई तीन कैटेगरी, इसमें 4152 इनविटेशन भेजे गए हैं भाई वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी में, वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी में 4152। और जो हमारे भाई यंग प्रोफेशनल कैटेगरी है, 323 इनविटेशन उसमें भेजे गए हैं, और 128 इनविटेशन भाई भेजे गए हैं जो इंटरनेशनल कोऑप वाला है, इंटर्नशिप भी हम बोल देते हैं, ठीक है जी। तो 128 भाई कोऑप वाले में, 323 यंग प्रोफेशनल वाले में, और भाई आपका 4152 जो है भाई वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी। तो पिछले वीक की कंपैरेटिव भाई ये नंबर तो बहुत ऊपर चला गया, कहां 2700 के आसपास और कहां भाई 4600, है ना। तो ये अच्छी चीज है भाई, चलो निकल के आया नंबर, अच्छे नंबर आए हैं, तो बधाई हो भाई जिनका नंबर आ गया है। एंड बाकी भाई अगर मैं वर्किंग हॉलीडे वीजा की बात करूं, एप्लीकेशन के पास अच्छी खासी पड़ी हुई है जी, ठीक है, 19,000 के आसपास भाई, 20,000 के आसपास एप्लीकेशन भाई इनके पास May 31st तक थी जी। तो उसमें चलो ठीक है, अभी June 1st को भाई और ड्रॉ आ गए, थोड़ा सा कम हो गया होगा, बट अभी भी अच्छा खासा नंबर है इनके पास क्लियर आउट करने के लिए, राइट। तो देखते हैं भाई आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता, बट पूल में भाई इनके पास अराउंड 33,000 के आसपास वर्किंग हॉलीडे पूल में, सिर्फ वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी में ही अराउंड 33-34,000 भाई एप्लीकेशन के पास पड़ी हुई है। तो ये भाई ड्रॉ मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, अच्छा ड्रॉ आया है। एंड बाकी भाई जो मैं बात करूं, 5 वीक्स के आसपास भाई प्रोसेसिंग टाइम इसका बताया जाता है जी आईसी का, ठीक है। बाकी अगर मैं वर्किंग हॉलीडे की बात करता हूं, और एक चीज मैं चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता दूं भाई, ये होता है कि ऐसा नहीं है हर कंट्रीज में भाई एलिजिबल होती है। इंडिया सबसे बड़ी चीज भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं जी, ये कंसल्टेंट भी बोल देते हैं, अनफॉर्चुनेटली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं जी इंडिया इसमें एलिजिबल है, पाकिस्तान है जी, न्यूजीलैंड सॉरी नेपाल वगैरह है, बांग्लादेश है, तो भाई नहीं है, नहीं है, ये कंट्रीज में भाई एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। आप किसी, हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप करोगे भाई, वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो एक ऑप्शन है जो कहते हैं कि आप उनकी हेल्प ले लो, बट उसमें भाई बहुत कम 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 बहुत कम चांसेस हैं। तो भाई इंडिया पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है आईसी कैटेगरी के लिए भाई। तो आपको भाई इन चीजों के बारे में अगर कोई कुछ बोले, तो भाई पहला क्वेश्चन आप यही पूछना कि भाई एलिजिबल तो है नहीं, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है जी। तो भाई ध्यान रखना है, बाकी आपको नॉलेज होनी जरूरी है भाई वर्किंग वीजा, देख मैंने हॉलीडे वीजा भाई, कि आप ठीक है यहां पे आओ कमाओ, ठीक है घूमो, ठीक है। बट हाँ, यंग प्रोफेशन कैटेगरी में भाई ये होता है कि आपके पास भाई ये कि ऑफर लेटर वगैरह हो, ठीक है, वो क्लोज वर्क परमिट हो जाता है भाई, ठीक है, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक, तो आपका उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। बट वर्किंग हॉलीडे वीजा में ऐसा नहीं होता, जिसके लिए भी काम करो वो ओपन होता है, ठीक है। बाकी इंटर्नशिप आपने जैसे नाम से ही पता चलता है भाई, ठीक है, कि आपने भाई यहाँ पे अगर आपसे ट्रेनिंग करनी आनी है, ठीक है, आप पार्ट ऑफ स्टडी है, तो आप आओ यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है भाई, ट्रेनिंग करो अपनी कंप्लीट एंड वापिस जाओ। तो ये था भाई अच्छा खासा नंबर इन्होंने भेज दिया ये 4603 का, एंड इन्विटेशन भेजे हैं आईसी के ऑन June 1st 2024 को। तो अच्छा भाई एक आगाज हुआ है, एक अच्छी शुरुआत हुई है इस महीने की, देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता। सी यू नेक्स्ट टाइम टॉपिक एंड डिस्कशन, चैनल फॉलो करना मत भूलना, बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।